हेलो फ्रेंड्स, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन करेंगे, x² + bx + c = 0 से, जिसमें x² का कोफिशियंट a = यहाँ पे देखिए 3 है, x का कोफिशियंट b = -2√6 है और c = जो है वो 2 है। अब हम लोगों को इसको ऐसा सॉल्व करना है कि a × c मतलब 3 × 2 = 6। ये किसकी स्प्लिटिंग से आ जाए, मिड टर्म बी की स्प्लिटिंग से आ जाए, -2√6 से। तो देखिए इसको हम लोग ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं, -2√3 है ना, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं -√6 और -√6 से स्प्लिट करने पे हम लोगों तब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x² - √3 × √2x - इसको लिखते हैं 2 × √3, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है x + 2 = 0। अब इसमें हम लोग इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, √3 × √3x² - √3 × √2x - √2 × √3x + 2 = इसको भी लिख सकते हैं √2 × √2 = 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इसमें √3x कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बन जाएगा √3x - √2 - इसमें √2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बन जाएगा √3x - √2 = 0। अब इन दोनों में देखिए आप, ये दोनों भी सेम है तो कॉमन आएगा, तो √3x - √2 और √3x - √2 = 0। सो दैट √3x - √2 = 0, सो दैट √3x = √2, x = √2/√3 या √2/3। चूँकि दोनों सेम है तो x का वैल्यू यही आएगा, √2/3 और √2/3। तो फ्रेंड्स, √2/3 √2/3 इसका आंसर हो गया। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत